यह हिंदी मीडियम क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट साइंस मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी का चैप्टर मैं आपको समझा रही हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको बुक समझाया है जिसका वीडियो आपके पास जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसके विषय में मैं आपको बता रही थी कि विज्ञान का मानव जीवन के लिए क्या क्या उपयोग है और उसने किस हद तक मानव को सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाया है। तो उसी के संदर्भ में मैंने अभी आपको औद्योगिक क्रांति, जनसंचार क्षेत्र में क्रांति, कंप्यूटर में विज्ञान का क्या योगदान है, इंटरनेट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवाएं विज्ञान के उन्नति से कितनी और अधिक जो है उन्नतशील हो गई हैं, मोबाइल एवं स्मार्टफोन ये भी आपको विज्ञान की देन है। अब इस टॉपिक पे आप आइए, मोबाइल एवं स्मार्टफोन। बच्चों, मोबाइल और स्मार्टफोन तो आप सभी के पास होगा ही और आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ करना भी जानते होंगे। यहाँ तक कि जो आज जिन परिस्थितियों में हमारा देश लड़ रहा है कोरोना वायरस से, उसमें आपका अध्ययन जो जारी है वह विज्ञान का ही वरदान है, जिसके फलस्वरूप आप विद्यालय न आकर अपनी शिक्षा को लगातार जारी किए हुए हैं। यह आपके मोबाइल और स्मार्टफोन से ही संभव हो पाया है। तो विज्ञान का एक वरदान तो आप देख रहे हैं कि आप घर में बैठकर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। मोबाइल फोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा, पहले जो फ़ोन थे उससे हम ज़्यादातर बात ही कर सकते थे और उसमें कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब स्मार्टफोन में आपको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। जैसे संदेश के आदान प्रदान के लिए, जिसको कि आप SMS कहते हैं, कि आप बड़े आसानी से अपने संदेश को किसी और व्यक्ति के पास बहुत आसानी से मोबाइल के द्वारा पहुँचा देते हैं। गेम खेलने के लिए, जो आप अच्छी तरह जानते होंगे, आवाज़ को संरक्षित करने के लिए वॉइस रिकॉर्डर मोबाइल में होता है कि आप कोई भी आवाज़ को संरक्षित करके बाद में उसको सुन सकते हो। वीडियो बनाने व देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, फ़ोटो से भी आप भलीभांति परिचित हो। अपनी भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए मैप जो होता है, GPS बैंकों द्वारा पैसे का स्थानांतरण करने के लिए, मतलब आप मोबाइल से अपने बैंक के खाते से किसी और के खाते में पैसा को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो मोबाइल के द्वारा, ठीक। अब आप आइए, विज्ञान की क्या देन कृषि में है। जनसंख्या से भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। बच्चों, आप जानते हो कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके फलस्वरूप हमको अनेक परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वह रहन सहन की परेशानी हो और चाहे वह खाद्यान्न की परेशानी हो। तो हम यहाँ पे बात खाद्यान्न की करते हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो हमारे पास भूमि जो है सीमित है और अनाज हमारे पास सीमित मात्रा में ही आता है। अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा जैसे ट्रैक्टर, पहले हम खेत की जुताई की, ट्रैक्टर किस उपयोग में आता है, खेत को जोतने के उपयोग में। आप जानते हो कि इससे पहले जो है खेतों की जुताई बैलों के द्वारा की जाती थी, तो बैल बहुत ज़्यादा मात्रा में खेतों को नहीं जोत पाते थे, जितनी ज़्यादा मात्रा में ट्रैक्टर जो है खेतों की जुताई कर लेता है। बैलों से जुताई करने में कई दिन लग जाते थे और उसके अपेक्षा ट्रैक्टर जल्दी से जो है खेतों की जुताई कर लेता है। अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरक आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हुए हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि इतना हमारे पास आधुनिक
आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा जब खेतों की जुताई हो रही है तो उससे पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका कि उपयोग हमारे देशवासी भी कर रहे हैं, और अधिक मात्रा में उत्पन्न होने के कारण जो बच रहा है उसको हम विदेशों में भी निर्यात कर उससे पैसा प्राप्त हो, देश को पैसा प्राप्त हो रहा है। अब इसके बाद है ईंधन, पेड़ की सूखी पत्तियाँ। ईंधन गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले के ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग में बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। पहले बच्चों जब गैस नहीं था तो हम किसका इस्तेमाल करते थे चूल्हा जलाने के लिए? पेड़ की सूखी पत्तियों का, गोबर का, लकड़ी का, कोयले का, मिट्टी के तेल आदि। मिट्टी के तेल से स्टोव वगैरह जलाते थे, तो इनका उपयोग हम बहुत पहले से ही कर रहे हैं। इसमें क्या था, श्रम बहुत ज़्यादा लगता था और अधिक समय लगता था और श्रम लगता था, और इनके धुआं के कारण ज़्यादातर औरतों के आँखों में मोतियाबिंद नामक बीमारी भी हो जाती थी। पर आज वर्तमान में पेट्रोल डीजल, चलिए बच्चों आगे, अब आपको आगे के बुक में पढ़ाया जाएगा।